आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 3 है, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसका जो पहला भाग है जिसमें हमने ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल किया था, ये बताया था कि जो रेखाएं हमें दी जाएंगी वो समांतर कब होंगी, समपाती कब होंगी, कब उनके अनेक हल होंगे, ये सब हमने पहले भाग में पढ़ लिया था। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे बीजगणितीय विधि से इन रैखिक समीकरणों को हल करना, कि ये रैखिक समीकरणें आपकी कैसे हल होंगी। तो इस बीजगणितीय विधि के अंतर्गत हमारी तीन विधियाँ आती, एक होती है प्रतिस्थापन विधि, एक होती है विलोपन विधि, और तीसरी होती है आपके पास वर्गीकरण विधि। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये दोनों विधियाँ आपकी पढ़ी हुई हैं, आपने कक्षा 8 में इन दोनों विधियों की सहायता से समीकरणों को हल किया है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से हमें करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन होती क्या है? प्रतिस्थापन, जैसे कि नाम से भी आपको पता चल रहा है, प्रतिस्थापन मतलब किसी चीज़ को प्रतिस्थापित करना। हम इसमें करेंगे क्या, हमें दो समीकरणें दी जाएंगी, उन समीकरणों में हम पहली समीकरण से आप किसी भी एक चर राशि का मान निकालेंगे और उस मान को उठा के आप दूसरी समीकरण में रख देंगे। तो इस तरह से जो मान निकल के आएंगे आपके पास चर राशि के, वो प्रतिस्थापन विधि से आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्वेश्चन ले लिया है कि आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरी समीकरण आपको दी है 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये सेकंड है। क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो क्या करेंगे, अभी क्या बताया आपको कि दोनों में से किसी भी एक समीकरण से, ऐसा नहीं है कि भाई हमें समीकरण एक से ही निकालना है, दो से भी, जिससे भी आपको आसान पड़े, आप उन दोनों समीकरणों में से या तो आप x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। ठीक है, तो हम चलो समीकरण एक से ही करते हैं। आप लिखो समीकरण एक से, ठीक है, तो हम यहाँ ऐसे करते हैं y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस 3y इक्व टू 11 आपको दिया हुआ है, आपने क्या किया, आपको y का मान निकालना है, तो y वाली टर्म को इधर रखेंगे, बाकी को आप दूसरी साइड लेके जाओगे, बराबर 11 प्लस के 2x है तो किस चीज़ में जाएंगे, माइनस में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू चाहिए, तो 11 माइनस के 2x ऐसे ही रहे, 3 गुणा में है तो किस चीज़ में जाएगा, इधर भाग में जाएगा। ठीक है, तो हमें y का मान चाहिए था, वो वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें करना क्या है कि ये जो y का मान आया है इसे उठा के हम दूसरी समीकरण में रख देंगे, और अगर आप y का मान यहाँ से निकालते तो y की वैल्यू जो आती है उसका मान आप समीकरण नंबर एक में रख दें। तो आप यहाँ पर लिखोगे y का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, तो रखो जहाँ पर भी y आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी समीकरण नंबर दो में रखने पर, तो जहाँ पर भी आपको y दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप y की वैल्यू रख देंगे। ये रखो 2x माइनस, y की जगह कितना रखना है आपको, 11 माइनस के 2x बटे 3, बराबर में कितना है आपके पास, माइनस 1। ठीक है, क्या करेंगे अब, LCM ले लो, कितना बना 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हुआ 2 × 3 = 6x। अब क्या करना है, माइनस खोलना है, ये तो आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। तो देखो माइनस 11 माइनस माइनस प्लस के 2x बराबर माइनस 1, देखो यहाँ पर प्लस के 6x और प्लस के 2x कितने हो गए, प्लस के 8x माइनस 11 बटे 3 बराबर में कितना चल रहा है, माइनस 1, तो कितना हुआ 8x माइनस 11, 3 भाग में है, बराबर के इधर गुणा में जाएगा तो माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 3 × 3। ठीक, यहाँ से आपके पास कितना आया 8x माइनस के 3, माइनस के 11 हैं तो पक्षांतर करने पर प्लस के 11 हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर कितना हुआ 8x माइनस के 3 प्लस के 11, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस के कितने बचे हैं आपके पास 8, तो x बराबर कितना हुआ 8, गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, तो यहाँ से आपको x का जो मान मिला कितना मिला 1। ठीक है,
उसके बाद x की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करोगे, इस x के मान को उठा के आप y के मान में रख दो। यहाँ से सीधे सीधे आप कैलकुलेट करोगे तो y का मान मिल जाएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखो देखो y बराबर 11 माइनस के 2, x है तो x का मान कितना रखना है 1, अपॉन में कितना है 3, तो ये कितना हुआ 11 माइनस के 2 बटे 3, 11 में से 2 हो गए, कितना बचा 9, 3 या 9, तो y की वैल्यू कितनी मिली आपको 3। तो यहाँ से आपको x और y के मान मिल गए, x बराबर मिला 1 और y का मान कितना मिला आपको 3। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया कि दोनों में से किसी भी एक समीकरण से आप मान निकालोगे। हमने क्या किया, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से हमने y का मान निकाल लिया, ठीक, ये वैल्यू हमें मिल गई। जिस समीकरण से हम मान निकालेंगे उस मान को आप उसे दूसरे समीकरण में रखेंगे कि इससे मान निकाला है तो इसमें रखना है, अगर आप इससे मान निकालोगे तो इसमें रखोगे। ठीक, तो इस तरह से आपकी जो प्रतिस्थापन विधि है ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक, अब हम देखेंगे विलोपन विधि। ठीक है, इस विधि में करते क्या हैं, विलोपन मतलब किसी भी एक जो चर राशि आपको दी गई है उनके गुणांक बराबर करके, यानी जो समीकरणें हमें दी जाएंगी उनके गुणांक बराबर करने हैं, चाहे हमें गुणा करनी पड़े उसमें या भाग करनी पड़े, जैसे भी करना है हमें गुणांक बराबर करने हैं, उसके बाद जोड़ने या घटाने पर किसी एक चर राशि को विलुप्त करके दूसरी राशि का हम मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसे समझने के लिए हमने क्वेश्चन दिया है आपको, एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, दिया है आपको 3x प्लस के 2y बराबर 7, दूसरी समीकरण आपको दी है 4x प्लस y बराबर के 6। ठीक है, अब आपको करना क्या, विलोपन विधि से हल करते हैं हम इसे। ठीक, तो सबसे पहले हम इनके गुणांकों को देखेंगे। x के गुणांक देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। ठीक, y के गुणांक देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमें आसान पड़ेगा वही करेंगे। तो अगर आप समीकरण नंबर 2 में यहाँ पर इस समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं, तो जैसे ही आप 2 से गुणा करेंगे, गुणा करने में भी इतना ध्यान रखना है कि जो गुणा करोगे आप वो पूरी ही समीकरण में करोगे, ऐसा नहीं है कि कभी LHS साइड में कर दो, RHS साइड को आप ऐसे ही छोड़ दो। गुणा करनी है तो पूरी इक्वेशन में करनी है। तो जैसे आप गुणा करोगे यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2y हो जाएगा, तो दोनों के गुणांक बराबर हो गए, चिन्ह यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। अगर एक से चिन्ह होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। ठीक है, और हमें कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो देखो कैसे करना है, आप लिखोगे यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में हमने 2 से गुणा कर दिया, करो गुणा, 2 चौक 8x प्लस के 2y बराबर 2 छंग 12, ये आपकी जो है समीकरण नंबर 2 ये बन गई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसके नीचे आप समीकरण नंबर 1 को रखेंगे 3x प्लस के 2y बराबर 7, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुई आपके पास। उसके बाद चिन्ह देखो, अगर विपरीत होते तो जोड़ने पर कैंसिल हो जाता, लेकिन चिन्ह एक से है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर घटाना पड़ेगा। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाएंगे, कैंसिल, 8 में से आप 3 माइनस करोगे कितना मिला 5x बराबर, 12 में से 7 गए 5x, तो आपको x का मान चाहिए 5, ये 5 गुणा में है तो भाग में जाएगा, आपको मिला x बराबर 1। ठीक है, अब हमें y का मान चाहिए, तो इस x के मान को आप इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण में उठा के रख देंगे। आप लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो जहाँ पर x दिखाई दे वहाँ पर 1 रख दो उठा के, तो 3 गुणा 1 प्लस के 2y बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ 3 प्लस के 2y बराबर 7, तो 2y बराबर, पक्षांतर करेंगे प्लस का 3 है तो माइनस में जाएगा, 2y बराबर 7 में से 3 गए कितना बना आपके पास 4। ठीक है, तो यहाँ से y का मान निकालना है आपको, y बराबर 4, 2 गुणा में है तो किस चीज़ में जाएगा, भाग में। ठीक है, तो y बराबर करो भाग, 2 दुनी
चार। तो यहाँ से आपको एक्स बराबर एक और वाई का मान कितना मिला, दो। ठीक, ये इस तरह से हम करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, इन तीनों विधियों में सबसे आसान विलोपन विधि ही है। ठीक है, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर नाम दिया है आपको कि भाई प्रतिस्थापन विधि से हल करना है या विलोपन विधि से करना, तो जो आपको एग्जाम में दिया जाएगा उसी विधि से हल करना। अगर आपको नहीं दिया तो आपके पास चॉइस होगी कि आप इन तीनों विधियों में से जो आपको आसान लगेगी उस विधि से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे वज्रगुण विधि। ठीक है, अब हम देखेंगे वज्रगुण विधि। ठीक, इसे पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है, कैसे इस पे क्वेश्चन होते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, हमने उनका मानक रूप ले लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो। ठीक है, दूसरा क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो। ये आपके पास रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता है। अब हमें अगर यहाँ पर वज्रगुण विधि से इन्हें हल करना है तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। आपको करना क्या है, x, y और 1, ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं। तो x है तो इसके गुणांक छोड़ दो, तो कितना बचा, b1, b2, ठीक, उसके बाद c1, c2। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं तो y के नीचे ये b1 b2 नहीं आएगा, तो c1 c2 तो आ गया, कितना बचा आपके पास, a1 a2। ठीक है, उसके बाद अगर हम अचर पद पे जाते हैं तो ये अचर पद ये दोनों नहीं आएंगे, तो a1 a2 तो आ गया, कितना मिला आपके पास यहाँ पर, कितना बचा, b1 b2। ठीक, उसके बाद करना क्या है, हमें इसकी मल्टीप्लाई तो करनी है इधर और b2 की करनी है इधर, इसी तरह से C1 की इधर करनी है और C2 की इधर करनी है, इसी तरह से A1 की B2 से करनी है और इसकी इधर करनी है। ठीक है, उसके बाद हम इसे लिखते हैं X अपॉन, करो गुणा, B1 C2 माइनस आएगा बीच में, तो कितना हुआ, B2 C1 बराबर Y अपॉन, करो मल्टीप्लाई, C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर में कितना आया, 1 अपॉन, करो मल्टीप्लाई, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, पहले हम इस वाली टर्म को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों टर्म है, तो पहले हम इन दोनों को बराबर रखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x का जो मान आता है वो कितना आता है, देखो भाई ये यहाँ पर भाग में है, उधर लेके जाओगे गुणा में और एक से गुणा करोगे तो यही आएगा आपके पास। तो x का मान कितना बना आपके पास, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में कितना है, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको y का मान चाहिए तो इन दोनों को बराबर में रखेंगे, तो यहाँ से कितना मिला, ये भाग में है इधर गुणा हो जाएगी, तो y बराबर कितना मिला, c1 a2 माइनस c2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो चाहे तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू आप याद कर सकते हो, उसके बाद क्या करोगे, अगर आप ये वैल्यू याद कर लेते हो तो समीकरण की तुलना करके A1 A2 B1 B2 की वैल्यू आप निकालोगे, यहाँ पर उठा के रख दोगे। और अगर आप ये फॉर्मूला याद करना नहीं चाहते तो आप सीधे यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि जो चर राशि आप ले रहे हो उसके नीचे उसका गुणांक नहीं आना, कि हमने भाई यहाँ पे x लिया है तो इसके नीचे a1 a2 नहीं आना, तो बाकी के दोनों आ जाएंगे, b1 b2 c1 c2। इसी तरह से आप y ले रहे हो तो y के नीचे y के गुणांक नहीं आने, तो क्या आएगा, c1 c2 आपके पास आ गया, A1 A2 बचा, ये आ गया। ठीक है, तीसरा नंबर पे 1 किस चीज़ को शो करता है, यहाँ पे अचर पद को शो करता है, यानी कि इसके नीचे अचर पद नहीं आने, बाकी x और y के गुणांक आने हैं, तो A1 A2 तो ये लिखा हुआ है, तो कितना बचा, B1 B2। उसके बाद क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में जो चिन्ह आता है वो माइनस का होता है। ठीक है, इसी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, अगर आप ऐसे करते हो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने से आप बच जाते हो। तो देखो, इस पे आधारित हमने क्वेश्चन लिया है, इसे आप वज्रगुण विधि से आप हल करोगे। ठीक है, तो देखो करना क्या है,
वही काम करते हैं हम, यहाँ पर x लिख लिया, यहाँ पर y और यहाँ पर 1, ठीक। फॉर्मूले से नहीं करते, अभी हमने जो ये मेथड बताया है वैसे ही करते हैं। तो इसके नीचे ये वाला नहीं आना, b1 b2 आएगा, मतलब ये 2 ये माइनस के 3, c1 c2 1 और माइनस के 12, ठीक। अब इसके नीचे ये नहीं आना, 1 और माइनस 12 तो आ गया, कितना बचा यहाँ से 1 और 2, ठीक है। अचर पद पे आ जाओ, ये नहीं आना, 1 और 2 आ गया, कितना बचा आपके पास 2 और माइनस के 3, ठीक है। फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे, इसकी इधर करोगे, इसी तरीके से इसकी गुणा इधर करोगे, इसकी गुणा इधर करोगे, ये इधर और इसकी गुणा इधर, ठीक है। अब इसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, लिखो x अपॉन, करो गुणा, 2 की गुणा आप माइनस 12 से करोगे तो माइनस के कितने हो गए 24, माइनस आता है ना बीच में, माइनस 3 की गुणा 1 से करोगे कितना बना माइनस के 3, बराबर y अपॉन, करो मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2 आया माइनस, माइनस 12 की मल्टीप्लाई 1 से करो माइनस के 12, बराबर 1 अपॉन, मल्टीप्लाई करो माइनस के 3 माइनस 2 × 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं, x अपॉन माइनस के 24 माइनस माइनस कितना हुआ प्लस के 3, y 2 अपॉन माइनस माइनस प्लस 12, 1 अपॉन माइनस के 3 और माइनस के 4, तो आपके पास कितना हुआ x अपॉन माइनस के 24 और प्लस के 3, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, माइनस के ज़्यादा है, माइनस के बचे आपके पास 21, y 12 और 2 14 है, बराबर 1 अपॉन माइनस के 3 और माइनस के 4, माइनस के यानी कि सेम साइन है, जुड़ जाएंगे, माइनस के हो गए 7। अब क्या करना है, अब हम दो दो टर्म को एक साथ रख के वैल्यू निकालेंगे, तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स, ठीक है। पहले और तीसरे पद से हम इन्हें बराबर रखते हैं, तो x माइनस के 21 1 अपॉन माइनस के 7 x, माइनस के 21 यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगा गुणा में, तो माइनस के 21 बटे माइनस के 7, तो यहाँ से आपके पास x का जो मान आया कितना आया, 7 से जाएगा 21 3 बार, ठीक। जैसे हमने यहाँ पर x का मान निकाला है बिल्कुल वैसे ही अब हम y का मान निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे, तो आप यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स, ये हुआ आपके पास y अपॉन 14 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस के 7, तो यहाँ से y बराबर कितना मिला, भाग में है इधर लेके जाओगे तो गुणा में जाएगा, अपॉन में माइनस 7, तो y की वैल्यू कितनी, 7 × 14 तो माइनस के 2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x का मान मिला 3 और y की वैल्यू मिली आपके पास माइनस के 2, ये हमारा आंसर होगा। अब देखो आपने इस तरह से किया क्वेश्चन, तो इसमें आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस इतना ध्यान रखना है कि जो चर राशि हम ले रहे हैं उसके नीचे उसका गुणांक नहीं आना, बाकी के दोनों आने हैं, कि जैसे हमने x का लिया है तो इसके नीचे ये दोनों आएंगे, ठीक है। y ले रहे हैं तो इसके नीचे ये दोनों आने हैं, और अचर पद लेंगे तो उसमें अचर पद नहीं आएगा, ये दोनों आएंगे, ठीक। उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, और दो दो टर्म को बराबर रखकर आप वहाँ पर जो चर राशियाँ हैं आप वहाँ उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो आपकी तीनों विधियाँ हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें पढ़ के हम समीकरण कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन लिया है लैंग्वेज वाला, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो अगर आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया है तो समीकरण बनाने में आती है। अगर आपको समीकरण दी जाए तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हो, लेकिन अगर लैंग्वेज दे दी जाए तो कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, भाई लैंग्वेज दे दी कैसे हम समीकरण बनाएंगे। तो देखो किस तरह से करते हैं, क्वेश्चन पढ़ो, आपसे कहा है दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, और ऐसी संख्याएं कितनी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको दी जाती है
उस पर फोकस करो। और दूसरी बात, जो आपको ज्ञात करनी होती है, जिसका मान आपको निकालना होता है, हम उसे मान लेते हैं। हमें बतानी है संख्या दो अंकों की। दो अंकों की मतलब इकाई और दहाई दो अंकों से बनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं माना संख्या का दहाई का अंक, हमने मान लिया x, ठीक है। इसी तरह से हमने इकाई का अंक, वो हमने मान लिया y, ठीक है। तो संख्या कितनी होगी? संख्या बनानी आती है आपको, आपने पढ़ा होगा कि इकाई के अंक में एक से, सॉरी, इकाई के अंक में एक से और दहाई के अंक में 10 से गुणा करते हैं, तो आपकी दो अंकों की संख्या बन गई 10x प्लस वाई, ठीक। अब क्वेश्चन पे जाओ, कहा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। आपको अंक पलटने हैं, यानी कि x की जगह y और y की जगह x करना है, यानी इकाई के अंक की जगह दहाई का अंक और दहाई की जगह इकाई का अंक। तो जब हम उन्हें जोड़ेंगे तो योग कितना मिल रहा है आपको? 66। तब आप लिखोगे प्रथम शर्त से, क्या कहा है, संख्या इसमें प्लस करना है। क्या प्लस करना है? अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ठीक है। जब आपने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा तो योग कितना मिला आपको? 66, ठीक है। तो संख्या कितनी है आपके पास? 10x प्लस वाई प्लस अंक पलट दो, दाई की जगह इकाई का अंक और इसकी जगह ये हो गया, बराबर कितना हुआ? 66, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे कितना हुआ? 10 और 1 11x प्लस, इसी तरह से ये हुआ 11y बराबर 66, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, 11 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और जो 66 है वो 11 से विभाजित हो जाता है। तो आप क्या करोगे, आप इस संख्या को 11 से भाग कर दो, तो थोड़ी जो हमारी समीकरण है थोड़ी आसान हो जाएगी। भाग करोगे कितना मिला? x प्लस वाई बराबर 11 से 66 को भाग करोगे 6 बार जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, ठीक है। तो पहली कंडीशन से हमें एक समीकरण मिल गई। अब दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे तो हमारे पास दूसरी समीकरण आ जाएगी। क्या कहा है? यदि संख्या के अंकों का अंतर, यानी कि जो अंक दिए हैं आप अगर उन्हें माइनस करते हो तो कितना मिलेगा आपको? 2। तो आप लिखोगे दूसरी शर्त से कि x माइनस वाई, इन दोनों का अंतर कितना दिया है आपको? 2, इक्वेशन नंबर 2। अब दो समीकरण आपके पास है, आपके पास कोई कंडीशन नहीं है कि भाई हमें इसे प्रतिस्थापन से हल करना है, विलोपन से हल करना है, बीजगणित से हल करना है, जो आपको आसान लगे उससे कर दो। तो हम यहाँ पर करते हैं विलोपन विधि से, x प्लस वाई इक्वस टू 6, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें बनी बनाई समीकरण नहीं है, कुछ गुणा भाग करनी नहीं है, ऐसे ही आपका हो जाएगा। ये माइनस का वाई है, ये प्लस के वाई है, तो क्या होगा, विपरीत चिन्ह है, गुणांक भी बराबर है, तो क्या होगा, जोड़ने पर आपके ये कैंसिल हो गए, कितना बना 2x, ये कितना हुआ 8, तो x बराबर कितना हुआ 8, 2 गुणा में था तो भाग में जाएगा, यहाँ से x बराबर कितना मिला आपको 4, ठीक है। अब क्या करोगे, इस x का मान दोनों में से किसी भी एक समीकरण में उठा के रख देंगे। आप लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो भाई x की जगह कितना रखना है 4, तो 4 प्लस के y बराबर 6, यहाँ से y बराबर कितना मिला 6, प्लस के 4 है तो माइनस में जाएगा, y का मान कितना मिला आपको 2, ठीक है। अब आपको संख्या बतानी है, तो संख्या कितनी होगी आपके पास? संख्या कितनी है आपके पास? 10x प्लस वाई 10, एक्स कितना मिला आपको 4, प्लस वाई कितना मिला 2, तो कितना हुआ ये 40 प्लस 2 42, ठीक है। वैसे आप सीधे सीधे भी लिख सकते थे, इकाई का अंक 2 और दाहिनी का अंक 4, ठीक है। तो आप इस तरह से भी निकाल के दिखा सकते हो और सीधे सीधे आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक।
और अगर आपसे कहा जाए अंक पलटने पर जो संख्या बनेगी वो कितनी होगी, वो कितनी हो जाएगी 24। कितना कहा था कि इन्हें जोड़ने पर, देखो 66 मिला, ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन है वो भी सही है। तो करना क्या होता है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जब आपको दिए जाएंगे पहले आप क्वेश्चन को एक बार नॉर्मली पढ़ लो, ठीक, फिर उसके बाद जो चीज़ आपको ज्ञात करनी होती है आप उसे मान लेते हो। यहाँ पर संख्या पूछी है तो आपने संख्या मान ली, कहीं पर आपसे आयु वाले क्वेश्चन होते हैं तो जब भी आपके पास आयु वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम आयु को मानते हैं तो उसमें हम वर्तमान आयु मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मान लेंगे कि माना 5 साल पहले उसकी आयु इतनी थी, ऐसा नहीं करना, वर्तमान आयु मानेंगे, ठीक है। तो देखो और उसके बाद क्या करना होता है, संख्या आपने मान ली, आपको पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसका मतलब दो ही कंडीशन दी होंगी आपको, दो ही समीकरणें बनेंगी। तो सबसे पहले हम जो पहली कंडीशन है उसे पढ़ते हैं, उससे आपको पहली समीकरण मिल गई देखो यहाँ पर, ठीक। उसके बाद हम दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे, ये दूसरी कंडीशन आपने पढ़ी, आपके पास दूसरी समीकरण भी मिल गई, ठीक। अब तो आपके पास सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब इन क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस होती है कि जो भी मेथड आप अप्लाई करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिया नहीं जाता कि भाई प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से हल कीजिए, आपका जो मन है जो मेथड आपको सही लगता है उससे हल कर लेना, ठीक। और एक बात और, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता ही है, ठीक। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हुए एनसीईआरटी में वो सब आप हल कर लेना, और जो आपकी एक्सरसाइज है इससे अगली तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें समीकरणें दी गई हैं आपको लेकिन वे रैखिक समीकरण नहीं है, आपको उसमें पहले आप रैखिक समीकरण बनाओगे और उसके बाद उन्हें हल करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे रैखिक समीकरण बनाते कैसे हैं। अब हमें जो समीकरणें दी जाएंगी तो वो रैखिक समीकरण नहीं होंगी, कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपको रैखिक समीकरण नहीं दी, दी तो दो चर राशि में है पर रैखिक नहीं है, और आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि जो समीकरणें आपको दी हुई हैं पहले उन्हें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसके बाद उसे हल करना है। तो देखो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उन्हें कैसे हल करते हैं। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, आपको समीकरण दिया है 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 equals to 2। इसी तरह से दूसरे समीकरण आपके पास है 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 equals to 1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर x minus 1 यहाँ पर x minus 1, यहाँ पर y minus 2 और यहाँ पर भी y minus 2। तो हम इसे इस तरह से कर लेते हैं, आपको पता है 1 upon x minus 1 यहाँ दोनों में एक सा ही है, यहाँ पर 1 upon y minus 2 ये एक सा है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस में करते क्या है कि जब भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप मान लेते हो कि मान लिया कि 1 upon x minus 1 = 1, ठीक है। इसी तरह से 1 upon y minus 2 = b के, ठीक। अब आपको करना क्या है, इन दोनों वैल्यू को उठाकर इन दोनों समीकरणों में रखेंगे हम। आप लिखोगे तब समीकरण एक क्या बन जाएगी, 5 तो ऐसे ही रहा, 1 upon x minus 1 की जगह a रखेंगे तो 5a में कन्वर्ट हो गया ये, प्लस 1 upon y minus 2 की जगह कितना रखना है आपको b, बराबर के 2, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरह से समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 6 ऐसे रहेगा, 1 upon x minus 1 है उसकी जगह कितना रख देंगे हम a, सॉरी माइनस है यहाँ पर माइनस 3, 1 upon y minus 2 बनना है तो कितना रखेंगे हम यहाँ पर b, बराबर में 1, इक्वेशन नंबर 2 बन के तैयार हो गई। अब देखो जो समीकरण बनी है आपके पास वो रैखिक समीकरण है, समीकरण की अधिकतम घात 1 है, ठीक, और दो चर में है a और b, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। करना ऐसा है कि जब आपका दोनों समीकरणों में से एक सा बने तब करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपके पास y माइनस 1 होता या प्लस होता तो आप ऐसे कर देते, तब आपको ऐसा नहीं करना। जब टर्म एक सी बनती है आपके पास तभी आपको ऐसा करना है। कहीं पर अगर लिखा होगा ना 1 upon x plus y, इसी तरह से 1 upon x minus y, दूसरी इक्वेशन में दे दिया 2 upon x plus y और ये दे दिया आपको, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो 1 upon x plus y, यहाँ पर भी 1 upon x plus y, यहाँ पर 1 upon x minus y, 1 upon x minus y, तो इन्हें a और इसे b मान लेंगे, ठीक।
करना ये तभी है जब जो आपके पास टर्म है वो एक सी बने। अगर अलग अलग है, यहाँ पर मैं प्लस टू कर दूँ, तब आप ये नहीं कर सकते। क्यों? आप इसकी जगह तो ये रख दोगे, इसकी जगह क्या रखोगे? फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि जब एक से पद बनते हैं दोनों समीकरणों में, तभी हम उसे कुछ मानते हैं, ठीक। अब दोनों समीकरण आपके पास बन गए, इन्हें हल करते हैं। अब देखो यहाँ पर 5a प्लस बी, ठीक, यहाँ पे 6a माइनस 3b। अगर आप इसे प्रतिस्थापन विधि से करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से b निकाल लो, 5a इधर पहुँचा दो। और अगर आप इसे विलोपन विधि से करना चाहते हो, विलोपन विधि से करते हैं, सबसे आसान पड़ती है। आप लिखोगे समीकरण नंबर एक में हमने गुणा कर दिया, किससे करोगे, यहाँ पर b है, यहाँ पर 3 है, 3b है, तो 3 से गुणा कर दो, गुणांक बराबर कर लेते हैं, करो। 5 3 15a हो गया, प्लस के 3b हो गए, प्लस 3 2 6, ये आपकी जो इक्वेशन नंबर एक है ये इस तरह से कन्वर्ट हो गए। इसके नीचे हम दूसरी समीकरण लिख देते हैं, 6a माइनस के 3b बराबर एक, इक्वेशन नंबर दो बनी आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गुणांक बराबर हैं, चिन्ह भी विपरीत हैं, तो क्या होगा, जोड़ने पर ही हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, जोड़ने पर, ठीक। जोड़ो 15 और 6 21 है, प्लस के 3b और माइनस के 3b, एक प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, कितना हुआ 7, तो a बराबर 7, 21 गुणा में है तो भाग में जाएगा, ठीक है। कितना मिला आपको यहाँ से, a बराबर मिल गया 1/3, ठीक। अब आपने a का मान निकाला है, अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, b की। तो क्या करोगे आप, a का मान कोई सी भी एक समीकरण में रख दो, उठा के a का मान समीकरण नंबर एक में रख दो, समीकरण नंबर एक में रखने पर, ठीक, रखो 5, a की जगह 1/3 प्लस बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो b बराबर कितना हो गया 2, प्लस का है तो माइनस में जाएगा, 5/3 हुआ, ये b बराबर कितना हुआ आपके पास यहाँ पर, 3 एलसीएम हो गया, 6 माइनस 5, तो b की वैल्यू कितनी मिली आपको, 1/3, ठीक। अब आपके पास a और b के मान तो आ गए, अब बात आती है भाई जो क्वेश्चन आपको दिया है उसमें तो a और b नहीं है, तो आपको वैल्यू तो x और y की निकालनी थी, a और b के मान थोड़ी ना निकालने थे आपको। तो आपको करना क्या है, जो आपने माना है वहाँ पर a का मान आपने निकाल दिया, उठा के रख देंगे, तब लिखोगे नाउ 1/x-1 को हमने a माना था, अब a की वैल्यू हमने निकाल दी है, रख दो उठा के, x-1, a कितना है आपके पास, 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ये हुआ x-1, ये हुआ 3, तो x=3, माइनस का 1 है तो प्लस में जाएगा पक्षांतर करने पर, x का मान कितना मिला आपको, 4, ठीक। जिस तरह से आपने x की वैल्यू निकाली है बिल्कुल ऐसे आप y का मान भी निकालोगे, कहाँ से निकलेगा, यहाँ से आएगा, ठीक। तो देखो ये हुआ आपके पास 1/y-2=b, क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है, b का मान आपने निकाल लिया है, उठा के रख दो 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ y-2, ये कितना हुआ 3, तो y=3 पक्षांतर करने पर, माइनस का 2 है प्लस में जाएगा, y का मान कितना मिला 5, ठीक। तो x और y की वैल्यू आपको मिल गई, x का मान 4 हुआ, y का मान 5 हुआ, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक। अब एक बात का ध्यान रखना है आपको, ये चैप्टर है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके आगे भी एक चैप्टर आएगा द्विघात समीकरण। तो जो समीकरणें आपको हल करने के लिए आती हैं आपको ऐसे दे दी, आप ऐसे भी हल कर सकते थे भाई, इस वाली समीकरण में, सॉरी यहाँ पे माइनस था, इस वाली समीकरण में आप 3 से गुणा कर दो, जोड़ने घटाने पर आप कैंसिल कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको लिखा हुआ है कि जो समीकरणें आपको दी गई हैं पहले उन्हें रैखिक समीकरण बनाना है उसके बाद हल करना है, तो भाई ये आपको करना ही पड़ेगा कि आपको रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो ये मान लेना अगर स्टेप मार्किंग हुई तो आपके नंबर गायब हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब आपके पास जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो सब PDF में आपको दे दिए, आपका जो फर्स्ट मंथली टेस्ट होगा उसमें आपके ये तीनों चैप्टर आने हैं,
ये तीनों चैप्टर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपके पीडीएफ में है, और तीनों चैप्टर की तैयारी आप अच्छे से कर लेना।